तो ये हमारा सनशाइन बे रिजॉर्ट, यहाँ हम आए हैं, कल पहुँचे थे, अभी हम दो दिन रुकेंगे यहीं पे, आगे पीछे ड्राइव करेंगे। अकोमोडेशन हमारी सुबह हो गई, अभी हम निकलने लगे हैं बाहर देखने के लिए क्या हो रहा है। We know the city. जनाब अली जेफरीज बे सनशाइन रिजॉर्ट में हमने जो है ना बराई के लिए स्टार्ट कर दिया सिलसिला, आग लगा दी है, आप भी देखें क्या होता है। और ये पीछे हमारा पड़ोसी ने भी आग लगाई हुई है, इसके साथ हमारा शायद मुकाबला हो, पकाने का तो शायद नहीं हो लेकिन खाने का मुकाबला हम लोग ज़रूर कर सकते हैं। कौन ज़्यादा खाएगा कब खाएगा वो पकाने का पता नहीं है। अब बारिश भी हो रही है, देखते हैं। तो ये अभी जो है इन्होंने लैंप चॉप्स रखना शुरू कर दिए, आग तैयार हो गई है, एक रेडी हो गई है आग। ये लैम्प जो है ना
तैयार हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। बारिश रुक गई है, कुछ मौसम बेहतर हो रहा और नज़र आ रहा है, लेकिन अब शाम हो गई है। देखते हैं अब खाएंगे यहीं पे, फिर रात का देखते हैं क्या करना है। अभी सॉसेजेज भी थोड़े से लगा दिए, सॉसेजेज भी शुरू कर दिए। असल में लोड शेडिंग है तो अंधेरा होता जा रहा है, तो बस जल्दी जल्दी तैयार करके जो है ना पारी करने वाली बात करनी है। I put it. Now it's melted. It's melted. हो गए तैयार, हो गए मकेश भाई वाले। अब आ जाओ यार। हमारे शेफ साहब भी आ गए बैठ के खाने के लिए, हमने निपटा लिया, अब शेफ साहब की बारी है। ये करे अपना काम, जो फारिग रहा बचा है ना। जी ये हमने खा पी के फारिग हो गए, फिर भी ये जो है ना अभी भी एक्सेस हुआ है। सिर्फ एक हमारे मितेश भाई बाकी हैं, क्योंकि ये बिजी थे पकाने में, इस वजह से थोड़ा लेट हो गए। और ये अभी सोच रहे हैं थोड़ा सा एपेटाइजर, एक ग्रेपिटाइजर एपेटाइजर, तो थोड़ा सा ये भी पीते हैं। सो ये एपेटाइजर बराई के मीट को हजम करने के लिए। हमारे पड़ोसी भी बड़ाई कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, मुकाबला चल रहा है, लेकिन हमने बाद में शुरू करी, पहले ख़त्म भी करके फारिग हो गए। ये हवाओं की आवाज़ शायद आपको आ रही हो, बड़ी तेज हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, लगता है रात को फिर जो है ना मूसलाधार बारिश होने वाली है। भाई होप यू डोंट माइंड है, आपने पकाया, हमने पहले खा पी के फारिग भी कर दिया, अब आप अकेले बैठ के खा रहे हो, तो आपको आवाज़ देता रहा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये आपके लिए गार्लिक ब्रेड भी है सर, वो बेग बीन चटनी भी है, पोटैटो सैलड भी है। मैंने सुना कि आपको बहुत पसंद है बेग बीन चटनी और पोटैटो सैलड। मुझे बेग बीन ज़्यादा पसंद है। अच्छा पसंद है आपको, क्या रहती है। तो ये हमारा प्रोग्राम सेकंड डे था आज हमारा इधर जेफरीज बे में, और बारिश की वजह से ख़ास घूम फिर नहीं सके, लेकिन चले थोड़ा मॉल वगैरह में गए थे, वहाँ का थोड़ा शूट वूट कर लिया। उसके बाद ब्राई का प्रोग्राम था, ये अच्छा है कि अंडरकवर पर हमारी ब्राई थी यहाँ पे, तो यहाँ बैठ के ब्राई वराई करी है। अब खा पी के फारिग हुए हैं, तो अब कुछ काम करते हैं, आराम करते हैं, कल देखेंगे कि कल कहीं निकलते हैं, कहीं जाते हैं, कल तीसरा दिन है, क्योंकि कल भी इधर ही रुकना है।
तो चले फिर इधर से आज के लिए इतना काफ़ी है, इजाज़त दीजिए, फिर जल्दी मुलाकात होती है किसी अच्छे से ब्लॉग में। और आखिर में वो रिक्वेस्ट को दोहराता हुआ चलूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग की सपोर्ट बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चैनल प्रोग्रेस कर रहा है। आज मैं आपको बताऊं, अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। उम्मीद है बहुत जल्दी चैनल प्रोग्रेस करेगा। चले फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।